पाइथन प्रोग्राम प्रिंट द सम ऑफ फॉलोइंग सीरीज। तो एक सीरीज हम बनाते हैं उसकी सम हमको प्रिंट करना है, ठीक है। तो एक सीरीज, ये तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई दी थी कि अगर ये सीरीज है और इस सीरीज का मुझे सम निकालना है तो इसका प्रोग्राम मैं कैसे बनाऊंगा। एक बार मैं जस्ट इसको रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी कंसेप्ट है। तो इसमें मैंने कहा था चूंकि मुझे सम निकालना है तो एक वेरिएबल लिया मैंने सम इक्वल टू जीरो, और फिर एक लूप लगाया फॉर आई इन रेंज। फिर चूंकि 10 नंबर्स हैं तो 1,11 मैंने यहाँ पर किया, बाय डिफॉल्ट स्टेपिंग यहाँ पर होगी, और सम इक्वल टू सम प्लस आई, ये लॉजिक है। तो आई की वैल्यू बच्चों मुझे यहाँ पर क्या मिल रही है, आई की वैल्यू मुझे यहाँ पर मिल रही है 1 से लेकर 10। तो पहले यहाँ पर 1 आएगा, ये मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको समझाया था, पहले 1 आएगा, 1 सम हो जाएगा, फिर 1 के बाद 2 आएगा तो 3 हो जाएगा उसके अंदर, फिर 3 के बाद फिर 3 आएगा तो 6 हो जाएगा, फिर 4 आएगा तो 10 हो जाएगा। इस तरीके से सारे नंबर्स का सम आपको सम के अंदर मिल जाएगा, और फिर हम इस सम को यहाँ पर प्रिंट करवा लेंगे तो हमको पूरी सीरीज का सम मिल जाएगा। तो बच्चों ये देखिए, यहाँ पर ध्यान रखिए कि ये जो सीरीज है इसका जो सम निकालना है वो किस तरीके से निकलेगा। देखिए मुझे सम निकालना है तो एक वेरिएबल बनाऊंगा मैं सम नाम का, और इसको इनिशियलाइज करना जरूरी है। पाइथन के अंदर किसी वेरिएबल को अगर आप बनाएंगे तो इनिशियल कोई वैल्यू आप डालेंगे। अब इनिशियलाइज किस वैल्यू से करेंगे, मैंने जीरो से इनिशियलाइज क्यों किया है इसको, वन से क्यों नहीं किया, टू से क्यों नहीं किया, या माइनस वन से क्यों नहीं किया, जीरो से ही क्यों किया है, कौन बताएगा। तो बच्चों सम को हमने जीरो से इनिशियलाइज किया है ताकि जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आए। देखो जब हम लूपिंग की बात करते हैं तो हर स्टेप हमको मालूम होनी चाहिए। देखिए सबसे पहले क्या होगा, सम की वैल्यू जीरो है। अब देखिए यहाँ पर फॉर आई इन रेंज 1,11, तो सबसे पहले आई की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। जब पहली बार लूप चलेगा तो आई की वैल्यू 1 होगी, आई की वैल्यू 1 होगी तो क्या होगा, देखो सम इक्वल टू, अब देखो असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हो रहा है तो राइट साइड का एक्सप्रेशन पहले कैलकुलेट होगा, सम इक्वल टू सम, तो सम मतलब जीरो। अभी सम की वैल्यू कितनी है, जीरो है, और आई की वैल्यू कितनी है, 1 है। तो सम के अंदर क्या स्टोर हो जाएगा, देखिए 1 हो जाएगा, मतलब पहली बार जब ये लूप चलेगा तो ये कुछ होगा, आई की वैल्यू 1 है, सम इक्वल टू 0+1, मतलब सम के अंदर आ गया 1। फिर वापस चूंकि ये लूप है तो वापस ऊपर जाएगा, अब आई की वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। अब आई की वैल्यू 2 होगी तो करेगा सम इक्वल टू वापस से, अब सम की वैल्यू कितनी है, 1 है, आई की वैल्यू कितनी है, 2, तो सम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसी तरीके से अगली बार लूप चलेगा आई इक्वल टू 3 के लिए, तो वापस देखिए सम इक्वल टू, अब सम की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3, और आई की वैल्यू कितनी हो गई मेरे पास, 3, तो वापस सम इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा 6। तो आप देखेंगे कि हम पूरी सम को एक साथ नहीं करते, देखो हमारा दिमाग भी एक साथ सम नहीं करता। जैसे 1+2+3+4 अगर 10 तक करना है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जैसे 1 है तो 1 और 2 को प्लस करेंगे, फिर रिजल्ट आ गया मेरे पास 3, फिर 3 जो रिजल्ट आया उसको फिर 3 के साथ सम करेंगे 6, फिर 6, 4, 10, 10, 5, 15। तो हम क्या कर रहे हैं, हम स्टेप बाय स्टेप कर रहे हैं, पहले इन दो को सम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ सम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ सम किया, फिर जो रिजल्ट आया उसको इसके साथ सम किया। इसी तरीके से कंप्यूटर पे भी यही लॉजिक लगता है, तो ये लॉजिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरीके से लूप लगाना है। और ये जो कंसेप्ट होता है s इक्वल टू s प्लस आई, सम इक्वल टू सम मल्टीप्लाई बाय j, मतलब कुल मिला के ये जो लॉजिक होता है जहाँ पर इक्वल के दोनों तरफ सेम वेरिएबल यूज होता है, मतलब उसी सेम वेरिएबल में हम बार बार अपडेट करते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा इसको और इंटरेस्टिंग करता हूँ, ये तो मैंने आपको बता ही दिया था, अभी कुछ भी नया नहीं बताया, सारा मैंने पुरानी क्लास का बताया। अब देखिए अगर मेरे पास क्वेश्चन कुछ ऐसा है, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज। अब मैं यहाँ पर क्या कर देता हूँ बच्चों, यहाँ पर मैं प्लस की जगह पर सपोज ये क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब मुझे चाहिए इसका रिजल्ट, अब मुझे इसका रिजल्ट चाहिए, मतलब सीरीज मेरे पास है 1 से लेकर 10 तक, और हर नंबर को मल्टीप्लाई करके मुझे उसका रिजल्ट चाहिए। तो लॉजिक कुछ वैसा ही लगाऊंगा, 1 को पहले 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, फिर रिजल्ट आएगा 2, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 4 जा 24, 24 5 जा, तो देखो हमारा दिमाग इस तरीके से चल रहा है, हम स्टेप बाय स्टेप मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, फिर जो रिजल्ट आ रहा है उसको फर्दर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो हमने बनाया था अभी प्रोग्राम, कुछ कुछ उसके जैसा ही बनेगा,
अब चूंकि मुझे यहाँ पर सम नहीं चाहिए, मुझे यहाँ पर रिजल्ट चाहिए, तो कोई भी वेरिएबल ले लेता हूँ। सपोज मैं रिजल्ट नाम का ले लूँ, और इसमें देखिए चक्कर ये है कि अब मैं इसको जीरो से इनिशियलाइज नहीं करूँगा। इसको किससे इनिशियलाइज करना चाहिए? मुझे वन से करना चाहिए। वेरी गुड, इसको मुझे वन से इनिशियलाइज करना चाहिए। वन से क्यों करना चाहिए? हाँ, वन से इनिशियलाइज करूँगा ताकि, क्योंकि जब हम वन को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका कोई रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। फिर मैं एक लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज, क्योंकि नंबर मुझे चाहिए 1 से लेकर 10 तक, तो सिंपल 1,11 कर दूंगा, तो ये मुझे 1 से लेकर 10 तक देगा, तो आई के अंदर मुझे 1 से लेकर 10 तक मिलेगा, तो रिजल्ट इक्वल टू रिजल्ट मल्टीप्लाई बाई आई। बात समझ में आई? और मैं यहाँ पर प्रिंट कर दूंगा रिजल्ट को, तो बिल्कुल सिंपल ये मुझे क्या करेगा, सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, ये देखिए ये आएगा लगभग 36,28,800। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा ये चेंज करूँ, इस प्रिंट को यहाँ की जगह पर मैं यहाँ पर लिख दूँ, तो क्या होगा भाई? इसका अलाइनमेंट चेंज कर दिया, प्रिंट रिजल्ट मैंने यहाँ पर लिख दिया है, तो क्या रिजल्ट आएगा? तो इस प्रिंट को जब मैंने यहाँ पर आइडेंट कर दिया, तो अब ये प्रिंट किस में आ गया? लूप में आ गया। लूप में आ गया तो लूप कितनी बार चल रहा है? 10 बार चल रहा है। तो ये रिजल्ट भी कितनी बार प्रिंट होगा? 10 बार प्रिंट होगा। देखिए इसको मैं रन करता हूँ, तो देखिए अब ये मैंने ज़्यादा छोटा कर दिया, तो देखिए अब मुझे, पहले मुझे सिर्फ एक रिजल्ट मिल रहा था 36,28,800, लेकिन अब मुझे स्टेप बाय स्टेप रिजल्ट मिलेगा। देखिए क्योंकि पहली बार रिजल्ट की वैल्यू थी 1, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाई 1 होगा, फिर 2 आया तो 2, 1 जा 2, 6। देखिए अब मुझे जो स्टेप बाय स्टेप जो इसके मल्टीप्लीकेशन था वो मिल रहा है, फिर 720 हुआ, फिर 5040 हुआ, फिर 40,300, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। समझ में आई बच्चों ये बात? सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ, तो मुझे तो वैसे फाइनल रिजल्ट ही चाहिए था, इसलिए मैं इसको इधर की तरफ ही अलाइन रखूंगा। अच्छा, अगर मुझे इसको यहीं तक करना होता, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द रिजल्ट ऑफ फॉलोइंग सीरीज, अगर मैं इसको 9 तक रखता हूँ, अब मुझे अगर चाहिए तो इसमें मुझे क्या चेंज करना पड़ेगा? 9 तक के नंबर्स को ही मल्टीप्लाई करना, 10 कर दें, वेरी गुड। 11 की जगह पर सिंपल मैं क्या कर दूं? 10 कर दूं, तो मुझे 9 तक के नंबर का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा, राइट? सपोज आई एम डूइंग दिस 10, देन व्हाट विल हैपन? द लूप विल एग्जीक्यूट फ्रॉम 1 to 9 एंड आई गॉट दिस 3,62,880। समझ में आई बात? तो बच्चों अगर मैं इसको 8, अगर मैं इसको 9 कर दूं, तो 1 से लेके 8 तक का मल्टीप्लिकेशन मिल जाएगा। मतलब मैं किसी भी नंबर का जहां तक मल्टीप्लाई करना है वो नंबर निकाल सकता हूं। तो इसको क्या कहते हैं? कुछ मैथमेटिक्स में ये लॉजिक है, जैसे 1 से लेके 8 तक के नंबर मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? 1 से लेके 7 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? 1 से लेके 11 तक के नंबर को मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट मिल रहा है उसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम फैक्टोरियल। फैक्टोरियल ऑफ नंबर क्या होता है? किसी भी नंबर का फैक्टोरियल किसको कहते हैं? फैक्टोरियल जो है वो रिप्रेजेंट किया जाता है इस सिंबल से। तो अगर 2 ये सिंबल लिखते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिखता हूँ 4, तो 4 फिर ये सिंबल लिखा, इसका मतलब हुआ 4 फैक्टोरियल। और किसी भी नंबर का अगर फैक्टोरियल निकालना है तो उस नंबर को आप रिवर्स में मल्टीप्लाई करते जाइए 1 तक। तो 4 का फैक्टोरियल होगा 4 × 3 × 2, 2 × 1। इसी तरीके से अगर 6 का फैक्टोरियल निकालना है तो क्या होगा? 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। तो इस तरीके से फैक्टोरियल होते हैं, ठीक है? दिस इज नोन एज फैक्टोरियल ऑफ नंबर्स। बाकी एक सिंबल और होता है, लेकिन वो मैं इसमें नहीं बना पाऊंगा। चलिए पेंट में मुझे बनाना पड़ेगा उसको। ये भी एक सिंबल होता है, इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है? ये एल शेप लिखते हैं, फिर इसके अंदर उस नंबर को लिखते हैं। याद आया कुछ इकोनॉमिक्स में, किसी में पढ़ा हो तो आपने? Yes, sir. तो ये फैक्टोरियल होता है। तो हम यहाँ पर एक बहुत अच्छा प्रोग्राम बना सकते हैं जहां पर एक नंबर को इनपुट लेते हैं और उसका फैक्टोरियल निकालते हैं। तो अब प्रोग्राम को थोड़ा सा हम डायनामिक बनाते हैं। राइट अ पाइथन प्रोग्राम विच इनपुट अ नंबर, एक नंबर इनपुट करेंगे और फिर उसी नंबर का फैक्टोरियल हमारा प्रोग्राम देगा। एंड प्रिंट फैक्टोरियल ऑफ दैट नंबर, उसी नंबर का फैक्टोरियल मुझे डिस्प्ले करना।
तो देखिए प्रोग्राम बिल्कुल आसान है। देखिए ये प्रोग्राम जो बनाया, तो यहाँ पर जब मैं 10 लिख रहा हूँ तो किसका फैक्टोरियल निकाल रहा है, ये 9 का निकाल रहा है। मैं यहाँ पर जब 11 लिख रहा हूँ तो किसका फैक्टोरियल निकाल रहा है, 10 का निकाल रहा है। तो अगर मुझे किसी n नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, तो अगर मुझे 10 का निकालना था तो मैंने लिखा 11, 9 का निकालना था तो लिखा 10, तो अगर n का निकालना है तो मैं लिखूंगा n प्लस 1। वेरी गुड, तो बस सेम प्रोग्राम रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और देखिए मल्टीप्लाई, वैसे फैक्टोरियल कहता है कि रिवर्स में मल्टीप्लाई होता है, लेकिन आप फॉरवर्ड में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही बात है, या रिवर्स में मल्टीप्लाई करेंगे तब भी वही बात है, रिजल्ट तो वही आने वाला है। आप चाहे 4 × 3 × 2 × 1 करें, या फिर 1 × 2 × 3 × 4 करें, दोनों में कुछ अंतर है क्या, दोनों में कुछ डिफरेंस है? तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, n एक नंबर लेता हूँ और उस n नंबर को सबसे पहले इनपुट करवाऊंगा, इनपुट एंटर द नंबर, ये नंबर मेरा इनपुट हो गया जिसका फैक्टोरियल मुझे निकालना है, n का फैक्टोरियल मुझे निकालना है। और फैक्टोरियल जिसमें स्टोर करूंगा, तो मैं फैक्ट नाम का वेरिएबल ले रहा हूँ यहाँ पर, फैक्ट, और उसको इनिशियलाइज कर दूंगा 1 से। एक लूप लगाऊंगा फॉर आई इन रेंज 1 से, मेरा स्टार्ट हो कहाँ तक ये जाए, n प्लस 1 तक ये लूप जाए। अब देखिए यहाँ पर जो लूप है, अब इस लूप को मैंने क्या बना दिया, डायनामिक लूप बना दिया। यहाँ पर क्या था, स्टेटिक लूप था, ये लूप क्या था, स्टेटिक था। ये लूप फिक्स 9 टाइम चलेगा, ये लूप फिक्स 10 टाइम चलेगा, क्योंकि दोनों वैल्यू जो थी स्टार्ट और एंड दोनों स्टेटिक वैल्यू थी, फिक्स वैल्यू थी। हम यहाँ पर लूप को क्या बना दिया, मैंने डायनामिक बना दिया n प्लस 1, मतलब ये लूप कितनी बार चलेगा ये डिपेंड करेगा वैल्यू ऑफ n के ऊपर। n की वैल्यू अगर 5 होगी तो यहाँ पर 6 आएगा, मतलब ये 5 बार चलेगा, मतलब n की वैल्यू जितनी होगी लूप हमारा उतनी ही बार चलेगा, ठीक है। प्लस 1 एक्स्ट्रा लेते हैं क्योंकि ये रेंज फंक्शन की खासियत है कि ये एक कम चलता है, इस वजह से मुझे यहाँ पर एक ज़्यादा लेना पड़ता है ताकि वो बराबर चले, ताकि n की वैल्यू जितनी हो उतनी बार ये एग्जीक्यूट हो। तो क्या करना है, फैक्ट इक्वल टू फैक्ट मल्टीप्लाई बाई आई, तो फिर फैक्ट के अंदर मुझे फाइनली यहाँ पर रिजल्ट मिल जाएगा प्रिंट, और फैक्ट के अंदर मेरा फैक्टोरियल है। लेट एग्जीक्यूट दिस, सो एंटर द नंबर सपोज 5, सो फैक्टोरियल इज 120, क्योंकि 5 का फैक्टोरियल 120 होता है। कैलकुलेट करके देखते हैं, 5 × 4 = 20, 23 = 60, 62 = 120। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं, सपोज 2 का फैक्टोरियल होगा 2, 3 का फैक्टोरियल कितना होगा 6, 4 का फैक्टोरियल कितना होगा 24। सो दिस इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम। थोड़ा सा इसमें एक ये हो रहा है कि हम जो मैथमेटिक्स कहती है वो कहती है कि नंबर रिवर्स में मल्टीप्लाई होना चाहिए, हम इसको फॉरवर्ड में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं चाहता हूँ कि नहीं, ये प्रोग्राम चले वैसे ही, मतलब ये रिवर्स में ही मल्टीप्लाई करे, मतलब जो n वैल्यू हो वो पहले, तो ये इसको रिवर्स में चलाना चाहते हैं। मतलब अगर 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो ये लूप चल रहा है मेरा 1, 2, 3, 4, 5, जबकि चलना चाहिए 5, 4, 3, 2, 1, हालांकि रिजल्ट वही आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ रिवर्स में ये लूप चले। तो लूप कहाँ से चलाना चाहता हूँ मैं, अब रिवर्स में लूप चलाना चाहता हूँ, मतलब n से लूप चलाना चाहता हूँ, राइट। 5 जैसे मैंने डाला तो 5, 4, 3, 2, 1 चले, तो n से चलाना चाहता हूँ, और कहाँ तक चलाना चाहता हूँ, 1 तक चलाना चाहता हूँ। कहाँ तक चलाना चाहता हूँ, 1 तक, तो 1 तक चाहता हूँ, तो यहाँ पर मैं 1 नहीं लिखूंगा, क्योंकि 1 लिखूंगा तो क्या होता है, जब हम रिवर्स में चलाते हैं तो स्टेपिंग माइनस 1 लिखते हैं, तो वो स्टार्ट टू एंड प्लस 1 चलता है, तो मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, 0 लिखूंगा और यहाँ पर माइनस 1 लिखूंगा। ये समझ में आया कि नहीं, n, 0, माइनस 1, तो ये लूप चलेगा n से लेके 1 तक। और अब मैं सपोज इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, 4 का फैक्टोरियल देखो वही 24 आ रहा है, 5 का फैक्टोरियल वही 120 आ रहा है, लेकिन जो इसकी एग्जीक्यूशन है वो डिफरेंस है, अब ये रिवर्स में चल रहा है। सो दिस इज ऑल्सो द सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।